उत्तरी अमरीकी के मैक्सिको से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर एक महिला ने अपनी ही पालतू कुत्ते पर अपनी बेटी का रेप करने का आरोप लगाया। महिला ने आरोप लगाया उसकी गैर मौजूदगी में घर पर उसके पालतू कुत्ते ने महिला की 9 वर्षीय बेटी का रेप किया। बात यहीं नहीं थमी, उसके बाद महिला ने पुलिस स्टेशन में अपने कुत्ते के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कुत्ते को हिरासत में लेते हुए छानबीन शुरू की। इस वारदात से पुलिस विभाग में हैरानी है कि आखिरकार एक कुत्ता कैसे एक 9 वर्षीय बच्चे के साथ जबरन दुष्कर्म कर सकता है, लेकिन महिला द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कुत्ते को कस्टडी में ले लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के ये कह पाना असंभव है कि ये रेप कुत्ते ने किया है या नहीं। पुलिस को शक है कि शायद बच्चे के साथ रेप शायद महिला के पति या बच्ची के सौतेले पिता ने ही किया हो, किंतु बिना मेडिकल रिपोर्ट्स की ये कह पाना अभी मुश्किल है। पुलिस फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये रहे कुत्ते ने किया है या फिर इसके पीछे महिला के पति की कोई साजिश है? कमेंट अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र।